हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, उसके टाइप्स, लोकेशन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे और फंक्शन के बेस पे हमने डिस्कस की, राइट। अब जो एपिकल मेरिस्टम है, जो सारे के सारे जो प्राइमरी टिश्यूज हैं, वो किससे बनते हैं? एपिकल मेरिस्टम से। एपिकल का मतलब ही क्या होता है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। एपिकल मेरिस्टम का मतलब ही है टिप पे जो प्रेजेंट हो, सो एपिकल मेरिस्टम। सो ऑल प्राइमरी टिश्यूज ऑफ द प्लांट बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम। तो मेरिस्टम विच फॉर्म्स All primary tissues in plant body, वो क्या हो गया? Apical meristem हो गया। Apical meristem दो टाइप का हो जाता है, shoot apex में भी दो टाइप हो जाएंगे, vegetative and reproductive shoot apex, राइट। वेजिटेटिव शूट अपेक्स एंड रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स। सो वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स, और वो स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स। सो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स। तो वेजिटेटिव से तो बन जाएंगे लीव्स आपकी बर्ड्स बन जाएंगी, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स है वो क्या बनाएगा? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स। तो जो वेजिटेटिव शूट अपेक्स है वो कंज्यूम नहीं होता वेजिटेटिव ऑर्गन की फॉर्मेशन में, जबकि रिप्रोडक्टिव जो शूट अपेक्स है इट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट्स, राइट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स। नाउ मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग अलग थ्योरीज दी गई थी एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, एंटोनिका कार्पस थ्योरी, याद है? एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज कर देता हूं। थियोरीज ऑफ एपिकल मेरिस्टम, थियोरीज ऑफ एपिकल मेरिस्टम, तीनों का मैं कंपैरिजन कर देता हूं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहला है एपिकल सेल थियरी, एपिकल सेल थियरी। नगेली ने दी थी सबसे पहली बात, इट वॉज गिवन बाय नगेली। और ये क्या कहता है कि जो सिंगल एपिसेल एपिकल सेल है वो पूरी की पूरी एपिकल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बट ये थ्योरी सिर्फ शूट और रूट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओनली रूट एंड शूट ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या कह रही है कि सिंगल सेल जो एक एपिकल सेल है, इट responsible for entire apical growth, वो पूरी की पूरी apical growth के लिए responsible है, ये apical cell theory के postulates है। second one is फर्स्ट वन था ये
सेकेंड वन है इस्ट्रोजन थियोरी। इस्ट्रोजन थियोरी क्या कहती है? हेंस्टेन ने दी, वाज गिवन बाय हेंस्टेन। ठीक, ये भी शूट और रूट अपेक्स के लिए एप्लीकेबल है। और ये क्या कहता है कि जो शूट अपेक्स है उसमें तीन रीजन्स हैं, या जिसमें तीन हिस्टोजेंस हैं, शूट अपेक्स हिस्टोजेंस। शूट अपेक्स में तीन हिस्टोजन है, उनका नाम क्या क्या है? डर्मेटोजन, आउटरमोस्ट है जो एपिडर्मिस बना देगा, डर्मेटोजन आउटरमोस्ट फॉर्म्स एपिडर्मिस। सेकेंड वन जो है दैट इज कॉल्ड पेरिब्लेम, पेरिब्लेम मिडिल लेयर हो जाएगी जो कोर्टेक्स बनाएगा, और जो इनर मोस्ट लेयर होगी दैट इज कॉल्ड प्लूरोम, प्लूरोम इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड प्लूरोम। ठीक, ये क्या बना देगा? स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है? एंडोडर्मिस के बाद का जो सारा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टील, सो इट फॉर्म्स स्टील। स्टील में आ जाएगा पेरिसाइकिल और पित्त एटसेट्रा। तो ये शूट अपेक्स हो गया। रूट अपेक्स में एक एक्स्ट्रा और होता है, ये शूट अपेक्स में तीन हो गए, रूट अपेक्स में वन मोर लेयर इज प्रेजेंट, एक एक्स्ट्रा लेयर और प्रेजेंट है, और उस एक्स्ट्रा लेयर को हम कहते हैं क्लेप्टोजन। दैट एक्स्ट्रा लेयर इज नोन एज फोर्थ लेयर है वो क्लेप्टोजन। और जो क्लेप्टोजन है इट फॉर्म्स रूट कैप। क्लेप्टोजन से रूट कैप की फॉर्मेशन हो जाती है। अब रूट कैप भी अलग अलग जगह से बनती है, ठीक है? रूट कैप बन गई क्लेप्टोजन से मोनोकोट में, लेकिन अगर डाइकोट की बात हो तो डाइकोट के लिए वर्ड यूज होता है डर्मेटोजन, ठीक है? सिर्फ रूट कैप मोनोकोट की एक एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन होता है। इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, एस्ट्रोजन थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो जो क्लेप्टोजन और व्हाट इज इट प्लूरोम है, उसके बीच में एक एरिया है जहां पे सेल डिवीजन बहुत स्लो है, अमाउंट डीएनए का बहुत स्लो है, दैट रीजन इज नोन एज क्यूसेंट सेंटर। सो प्लूरोम और क्लेप्टोजन, प्लूरोम और क्लेप्टोजन के बीच में एक बहुत छोटा सा एरिया है, एंड दैट एरिया इज नोन एज क्यूसेंट सेंटर, क्यूसेंट सेंटर। सेल डिवीजन इज स्लो एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इज लो, अमाउंट ऑफ डीएनए इज लो इन दिस रीजन इज दिस एरिया। सो ये सेंटर क्या हो गया आपका? क्यूसेंट सेंटर, जहां पे
cell division slow and DNA amount is low. So this is second theory given by Ntse. Or third theory is Tunica Carpus theory. Third one is Tunica Carpus theory. Tunica Carpus theory. ये किसने दी थी? Smith. It was given by Smith. Tunica Carpus theory was given by Smith. और Smith ने क्या कहा कि दो टाइप के सेल्स हैं, दो टाइप के एपिकल जोन्स हैं. ट्यूनिका सिंगल लेयर्ड है और एपिडर्मिस बनाएगा, और जो कॉर्पस है वो अनडिफरेंशिएटेड मास है. सो ट्यूनिका आउटर है, फॉर्म्स एपिडर्मिस, और कॉर्पस फॉर्म्स अदर लेयर्स. स्मॉल सेल्स होती हैं इसमें, इसमें लार्ज सेल्स होती हैं. एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर शूट अपेक्स ओनली. एप्लीकेबल फॉर शूट अपेक्स. तो तीन थ्योरीज हो गई, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी स्मिट ने दी जो शूट अपेक्स के लिए एप्लीकेबल है, एपिकल सेल थ्योरी नगेली ने दी जो रूट और शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो ही कहता है कि सिर्फ एक ही एपिकल सेल है वो सारे काम कर देती है. तो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है? दैट इज हिस्टोजन थ्योरी. Ntse ने जो दी. नाउ वी मूव फर्दर एंड डिस्कस परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप थे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट बहुत बार आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं. एक क्विक रिवीजन के लिए परमानेंट टिश्यू में सिंपल सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद हैं तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. क्या? सबसे कॉमन टाइप का टिश्यू है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, थिन वॉल सेल्स हैं, क्लियर, और सेलुलोज की सेल वॉल होती है. तो सबसे पहले प्रेजेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सेकेंडली थिन वॉल सेल्स हैं, सेलुलोज की हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ इसी में होते हैं, आप याद रखना, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में नहीं होते. फर्स्ट डेवलप्ड टिश्यू है, फर्स्ट डेवलप्ड टिश्यू होता है. और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या है? ये बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, स्टोरेज में, रेस्पिरेशन में. इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट वेयर सेल्स आर टर्जिड. ठीक. तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, आपने पहले भी डायग्राम बनाया है इसका, कि जो सेल्स हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं,
इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस आप इजीली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जो सेल की स्ट्रक्चर है वो आप इजीली देख सकते हो। सो ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, सेलुलोज की सेल वॉल हो गई, ओके। आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, उसके बाद सेकेंड आता है कोलेनकाइमा। सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है ये भी, और सेल्स के ऊपर थिकनिंग हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ सेलुलोज था, यहाँ पे सेलुलोज के साथ साथ एक और केमिकल सब्सटेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पेक्टिन। सो लिविंग टिश्यू है, इंटरनल सेलुलर स्पेस अब एबसेंट हो जाएंगे, इंटर सेलुलर स्पेस एबसेंट, देन सेल्स जो हैव डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। पहले में सिर्फ सेलुलोज, दूसरे में सेलुलोज प्लस पैक्टिन, और तीसरे में क्या आ जाएगा, लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन मोर आ जाएगा। तो स्क्लेरेनकाइमा प्राइमरी है नेचर में, और थिकनिंग्स पे सेलुलोज और पैक्टिन हो गया। यहाँ पे स्फेरिकल सेल्स थी, यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स होंगी, इलोंगेटेड सेल्स हैं, इसमें इलोंगेटेड सेल्स हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक तो पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स, याद रहेगा। तो हाइपोडर्मिस जो है स्टेम का, वहां पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, वेन्स के साथ साथ प्रेजेंट होता है। और इसकी दो मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, क्लोरेनकाइमा जब ये फोटोसिंथेटिक हो जाए, सॉरी पेरेनकाइमा की दो मैंने बताई थी कि ये फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, और एक्वेटिक प्लांट्स में इसको क्या कहेंगे, एरेनकाइमा इन एक्वेटिक प्लांट्स, जब वो बायोट फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो हैव टू फ्लोट ओवर वाटर सरफेस, ठीक है। तो कोलेनकाइमा में इलोंगेटेड सेल्स हो जाती है, इस तरह से, एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, सेल्स आर न्यूक्लिएटेड विद साइटोप्लाज्म। थर्ड टाइप इज स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड टाइप इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सबको पता है आपको, डेड टिश्यू है, मैच्योर सेल्स में प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, सो थिक वॉल्ड सेल्स हैं, ठीक है। तो तीन फीचर मैंने आपको बताए, डेड टिश्यू, लैक प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी, लैक प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी, एंड थर्ड वन इज कि सेलुलोज के साथ क्या आ जाता है, लिग्निन, सेलुलोज
plus lignin deposition. Cellulose plus lignin deposition is formed. ये दो टाइप का हो जाता है, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स. फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स. तो फाइबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट. तो मेनली वी डिस्कस स्क्लेरेट्स. स्क्लेरेट्स क्योंकि स्क्लेरेट्स में डाउट है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है. तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्क्लेरेट्स की. सबसे पहले होती हैं स्टोन सेल्स. स्टोन सेल्स, स्टोन सेल्स को ग्रिड सेल्स भी कहते हैं. स्टोन सेल्स और ग्रिड सेल्स अनब्रांच्ड हैं, राइट. आइसोडायमेट्रिक थिक वॉल्ड. तो फ्रूट्स में इसको ग्रिड सेल कह देते हैं. जैसे गुआवा आपने देखा है, एप्पल देखा है आपने. तो ये अनब्रांच्ड आइसोडायमेट्रिक, अनब्रांच्ड आइसोडायमेट्रिक. दूसरा है मैक्रोस्क्लेराइड्स. सेकेंड वन इज मैक्रोस्क्लेराइड्स. मैक्रोस्क्लेराइड्स इलोंगेटेड रोड लाइक, इलोंगेटेड रोड लाइक. तो पहला वाला ग्रिड सेल कहां प्रेजेंट थी, फ्रूट्स ऑफ गुआवा, पियर एटसेट्रा. फ्रूट्स ऑफ गुआवा पियर. और ये इलोंगेटेड रोड लाइक जो स्क्लेरेट्स हैं, दे आर फाउंड इन सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स ऑस्टियो. ऑस्टियो का मतलब होता है बोन. सो बोन जैसी स्ट्रक्चर होगी. थर्ड वन इज ऑस्टियोस्क्लेरेट्स. बोन लाइक स्ट्रक्चर. तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के में सीड कोट में थी. ये फाउंड होती है सीड कोट ऑफ मोनोकोट्स. सीड कोट ऑफ मोनोकोट्स. यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? उसके बाद आता है आपका कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टोन सेल्स या ग्रिड सेल्स. तो मैंने बताया था अनब्रांच्ड है, और स्फेरिकल है. इस तरह से ल्यूमेन इज नैरो. स्फेरिकल सेल है, हैविंग पिट्स. पिट्स सब में ही मिलेगा. और ये पिट क्योंकि कैनाल फॉर्म में है तो इट इज कॉल्ड पिट कैनाल. स्टोन सेल. दूसरा मैंने बताया था आपको मैक्रोस्क्लेरेट्स की इलोंगेटेड सेल है, हैविंग वाइड ल्यूमन. थर्ड वन मैंने आपको बताया कि बोन लाइक स्ट्रक्चर. दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट. दिस इज मैक्रोस्क्लेरेट. मैक्रोस्क्लेरेट कहां प्रेजेंट थी, सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. और ऑस्टियोक्लास्ट कहां प्रेजेंट होती है, सीड कोट ऑफ मोनोकोट्स.
उसके बाद है एस्ट्रियोस्क्लेरल्स, फोर्थ वन इज एस्ट्रियो, एस्ट्रियोस्क्लेरल्स, एस्ट्रियस, एस्ट्रियस कहते हैं स्टारफिश को, स्टारफिश लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। देन दे आर कॉल्ड एस्ट्रियोस्क्लेरल्स, स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स। इसका एग्जाम्पल स्पेसिफिक ही होते हैं निम्फिया के लिए उसमें मिलती है। ठीक, ट्राइकोस्क्लेरेट्स, ट्राइकोस्क्लेरेट्स इलोंगेटेड होती हैं, बहुत ज्यादा इलोंगेटेड होती हैं। हाईली इलोंगेटेड हाईलीटेड और हाइड्रोफाइट्स में मिलती हैं। एग्जाम्पल एरियल रूट्स ऑफ जो एयर में आ जाती हैं मॉन्स्ट्रिया एंड हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में भी मिलेंगी और मॉन्स्ट्रिया के लिए मिलेंगी। इलोंगेटेड हेयर लाइक्स, इलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेरेट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को स्टिल यू कैन आस्क। अगेन आई एम रिवाइजिंग ऑल दीज टॉपिक्स कीपिंग इन माइंड दैट योर एग्जाम इज अप्रोचिंग सून। तो आप एक बार इसको थोरोली पूरा डिटेल में देखोगे वीडियो तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। एक क्लास और लूंगा मैं कल जिसमें आपका ये प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। ओके?